हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी अगेन। और अभी हम हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक टाउनशिप में। ये जगह NH24 पर गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के बीच में आती है। राइट साइड में जो आपको दिख रहे हैं ये है महागुण मैजेस्टिक और महागुण क्रेमा अपार्टमेंट्स। लेफ्ट में जो आपको दिख रहे हैं ये है पैरामाउंट सिम्फोनी अपार्टमेंट्स। यहाँ पर आपको ज़्यादातर ऐसे ही हाई राइज सोसाइटीज़ एंड अपार्टमेंट्स मिलेंगे। क्रॉसिंग रिपब्लिक भी दिल्ली NCR से लगा हुआ एरिया है, जस्ट लाइक इंदिरापुरम। काफ़ी ग्रीन है, काफ़ी ज़्यादा वेल प्लान्ड है। ये इंदिरापुरम के जैसे ही डेवलप किया गया था। लगभग 2 लाख लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पे रहने की। आप देख सकते हैं काफ़ी रोड्स क्लीन हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पर ग्रीनरी भी बनाई गई है और सारे लेफ्ट और राइट में यहाँ पर अपार्टमेंट्स ही हैं। सुपरटेक का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपको जो फ्लैट्स हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकल मिल जाएंगे। अगर आप 3 BHK का फ्लैट देखते हैं तो अराउंड लाइक 42 to 45 lakhs में आपको मिल जाएगा। अगर 2 BHK देखते हैं तो अराउंड लाइक 32 to 30 के बीच में आपको मिल जाएगा। काफ़ी इकोनॉमिकल है और यहाँ पे आपको ज़्यादातर सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। ये दिल्ली के बाद गाजियाबाद से होते हुए आप NH24 पे 10 किलोमीटर लगभग आगे हैं और काफ़ी अच्छी लोकेशन है। एंड आपको सामने दिखने लग गया होगा एक राउंड अबाउट है, इसको कहते हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक राउंड अबाउट। ये जो आपको दिख रहा है काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है यहाँ का। यहाँ से अगर आप ये लेफ्ट में देख रहे हैं ये अजनारा का आर्केड है एंड उसके पीछे जो फ्लैट्स हैं वो अजनारा का प्रोजेक्ट है यहाँ पर। इस जगह को बने हुए अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 2010 ऑनवर्ड्स यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस और लोगों का आना शुरू हुआ था। तो आप लगा सकते हैं काफ़ी न्यू लोकेशन है। इसको डिज़ाइन किया था इस जगह को हाफिज़ कॉन्ट्रैक्ट वाला ने। एंड ये एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है तो यहाँ पर आपको स्कूल्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इस जगह को डेवलप करने में काफ़ी सारे रियल एस्टेट ग्रुप्स का भी हाथ रहा है। ग्रुप्स लाइक अजनारा, SKB, कॉर्सन्स, महागुण, पल्सी, अरिहंत, सुपरटेक, पैरामाउंट, आपको यहाँ पे इन सब के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पर जो सबसे अच्छी की गई है कि ये कंस्ट्रक्शन करते हुए इस बात का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है कि ग्रीनरी को कहीं पर ज़्यादा नुकसान ना हो। और काफ़ी हद तक हर तरफ यहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा दिखती है इन कंपैरिजन टू दिल्ली NCR एरियाज। यहाँ पर काफ़ी अच्छी हरियाली है। ये राइट में जो अपार्टमेंट्स हैं दीज आर मकोन्स क्रॉसिंग अपार्टमेंट्स। एंड यहीं पर अगर आप इस रोड पर आगे जाते हैं तो आपको 3 स्कूल्स भी मिलेंगे, गुरुकुल स्कूल, उसके बाद है इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल और उसके बाद सेफायर इंटरनेशनल। सो यहाँ पे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, शॉपिंग सेंटर्स भी हैं, मॉल्स भी हैं, तो आपको तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं और काफ़ी कम्पिटिटिव प्राइजेज हैं और काफ़ी वेल कंस्ट्रक्टेड एंड वेल डेवलप्ड भी है।
एंड यहाँ से आगे आने पर आप अगेन जुड़ जाते हैं, ये जगह वापस आप पहुँच जाते हैं ग्रेटर नोएडा में, जो कि सीमलेसली कनेक्टेड है क्रॉसिंग रिपब्लिक से। ये जो राइट में आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये है गौर सिटी का प्रोजेक्ट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। और इसके लेफ्ट में ही आ जाएगा आपका माईवुड्स महागुन, महागुन माईवुड्स का यहाँ पे प्रोजेक्ट है, जो सामने आपको लेफ्ट में बिल्डिंग्स दिख रही हैं। ये राइट में जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ग्रीन कलर की, ये है गौर इंटरनेशनल स्कूल। और इसके लेफ्ट में ही है मंथन महागुन स्कूल, एंड उसके साथ में है महागुन माईवुड्स का अपार्टमेंट्स। और ये जो जगह आ जाती है, ये सेक्टर 16C है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का, ये महागुन मार्ट, जो कि यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर मॉल है। राइट में पूरा ये गौर सिटी 2 है जो आप सामने देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पर। एंड ये जो रोड है यहाँ से सीधा आगे जाती है और ये पहुँच जाती है यहाँ पर। आप जिस तरफ भी देखेंगे आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स ही मिलेंगे, काफ़ी अपार्टमेंट्स अभी भरे हुए हैं, काफ़ी की कंस्ट्रक्शन चल रही है, काफ़ी अभी खाली हैं राइट में जैसे आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छी जगह है, इन द फ्यूचर ये इसका प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छा है। एंड उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू भी कहना चाहता हूं, क्योंकि अब हमने 25,000 सब्सक्राइबर का एक माइलस्टोन है जो पूरा किया है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही चैनल को देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।